हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सेवेंथ वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन वाले क्वेश्चंस को। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है, वीडियो लेक्चर 6 को आप जरूर देख लें। तो पहले फटाफट से इनके फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डेरिवेटिव के लिए हमने क्या लिखा था, एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल एस इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो। ये फॉर्मूले बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जल्दी से रिवाइज करके याद हो जाए। इसका एनथ वाला फॉर्मूला भी हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था, एल ऑफ एफ की पावर एन टी इज इक्वल एस की पावर एन से शुरू होकर के एल एफ टी लिखा जाता है और उसके बाद एस की एक एक पावर कम होती रहती है, आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल के केस में हमने क्या पढ़ा था, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ यू डी यू क्या होता है, एफ एस अपॉन एस होता है। ये इन सब के फॉर्मूले हमने जो है वो डेरिवेशन में देख चुके हैं एक बार, आप चाहे तो वीडियो लेक्चर नंबर 5 को आप देख लो, इनके डेरिवेशन हमने सब किए हुए हैं। तो आज जो हम फोकस करेंगे वो थर्ड वाले फॉर्मूले के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम पहले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ 2-3 सवाल देख चुके हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप देख लो एक बार अगर नहीं देखा है तो। लेकिन फिलहाल अभी टी की पावर एन से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन एफ टी को तो क्या दिख रहा है, माइनस वन की पावर एन होगा और एन टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एस का। एफ एस क्या चीज है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एफ टी अगर हम कर रहे होंगे तो वो fs होता है। इस fs का आपने n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके ऊपर बेस्ड अभी हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है, देखो, इवेल्युएट करना है लाप्लास ऑफ t इंटू साइन at। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो फंक्शन t के मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो ft का काम करेगा। क्या काम करेगा, ft का काम करेगा, यानी यहां पर जो ft है वो साइन at है। अब आप इस ft से क्या निकालेंगे, इस ft से आप fs निकालेंगे। fs क्या होगा इसके लिए, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमने कहां से लिखा है, ये हमने स्टार टेबल से लिखा है। अभी तक अगर कुछ लोगों को स्टार टेबल नहीं आती है तो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में स्टार टेबल के ही क्वेश्चन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी पूरा लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपने मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट टी की पावर फर्स्ट के लिए। टी की पावर फर्स्ट का मतलब समझ रहे हो, यहां पर आप लिखेंगे टी की पावर 1 इंटू कैपिटल एफ टी। इसके लिए जब आप काम कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन की पावर तो वन होगा, एक एक पावर है ना टी की, देखो टी की पावर वन है ना, तो क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करना है टी बाय डीएस ऑफ किसका, एफ एस का। ये जो आपने ऊपर एफ एस निकाला है इसको यहां पर रखने के बाद आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि जो टी की मल्टीप्लीकेशन में लिखा होगा वो एफ टी का काम करेगा और उस एफ टी का आपको एफ एस निकालना है पहले। तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि टी की पावर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी को, तो ये फॉर्मूला लगेगा माइनस वन की पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन ऑफ एफ एस। उसके बाद आप इसमें एफ टी पहचानो, तो एफ टी का काम कौन कर रहा है, साइन ए टी, जिसका एफ एस क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगाएंगे टी की पावर वन के साथ तो क्या आएगा, माइनस वन की पावर वन डी बाई डी एस ऑफ एफ एस हो जाएगा। अब एफ एस की वैल्यू रख दीजिए, तो एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है, इसका s के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। आप इसको 1 बाय t की तरह समझ लो, जैसे 1 बाय t का डिफरेंशिएशन आप करते हैं ना, तो 1 बाय t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि a तो जो है ना वो कॉफिशियंट है, वो बाहर हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा आएगा, लाप्लास ऑफ t इंटू साइन at इज इक्वल माइनस, ये वाला माइनस माइनस वन की पावर वन की वजह से। अब देखो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर का एक माइनस ये आया, दूसरा एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एस और आएगा, तो हमने ठीक करके उसको माइनस टू ए एस बना दिया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। तो देखो इस तरह से ये इसका टी साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ गया है। तो क्या आपको समझना है, जो फंक्शन टी के मल्टीप्लीकेशन में है वो एफ टी का काम करेगा। पहले उसका आप एफ एस निकालो, एफ एस निकालने के बाद जो फॉर्मूला बन रहा है टी की पावर एन के साथ में उसमें वैल्यू रख करके उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी आगे फाइनल थोड़ा इवेल्युएशन करना है। अब नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी देखो टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज को, साइन हाइपरबोलिक एटी को। तो आप डिसाइड कर चुके हैं कि भाई इसमें टी की पावर एन इंटू एफ टी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, माइनस वन की पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन इंटू एफ एस। तो अब एफ टी के लिए एफ एस निकालेंगे, एफ टी क्या काम करेगा, साइन हाइपरबोलिक एटी का, जिसका स्टार टेबल से क्या आंसर आता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने क्या बोला, एफ एस बोल दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाते हैं टी की पावर 1 साइन हाइपरबोलिक एटी के लिए। तो क्या बनेगा, देखो फॉर्मूले से ध्यान से देखो, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस 1 की पावर एन डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस की वैल्यू छाप दो यहां, तो एफ एस की वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये एफ एस की वैल्यू ऊपर से आ रही है ना, ये ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ये बाहर वाला जो माइनस है ये माइनस वन की पावर वन की वजह से बन रहा है। अब बाकी फिर से इसका वन बाई टी की तरह, वन बाई टी का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना जैसे, तो वन बाई टी का क्या होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर, इसकी तरह से इसको वन बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखो क्या आएगा, ये वाला माइनस तो बाहर से चला ही आ रहा है और ये वाला जो माइनस है ये माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर की वजह से, इसके स्क्वायर की वजह से आया। दूसरा, जब एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू और एस और आएगा, बाकी इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें क्या लिखा है टी इंटू कॉस ए टी। तो आप इसमें पहचान पा रहे हैं कि इसमें टी की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है हमने डिसाइड कर लिया टी की पावर एन का लगेगा जहां पे टी की पावर वन है। एफ टी क्या होगा, एफ टी होगा कॉस ए टी। कॉस ए टी के लिए क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कहां से आ रहा है ये स्टार टेबल से आ रहा है अपना। अब आप इस टी की पावर वन के लिए फॉर्मूला जब बनाएंगे तो टी की पावर देखो वन है ना, तो माइनस वन की पावर भी वन लगेगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा किसका एफ एस का। अब एफ एस की वैल्यू रख दीजिए इसमें, जैसे आप इसमें एफ एस की वैल्यू रखेंगे अब देखो यहां एस ऊपर भी है एस नीचे भी है, इसका मतलब दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एस है, तो आप इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल के हिसाब से क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये देखो नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर को रोका, ऊपर न्यूमरेटर में एस है, एस का एस के रिस्पेक्ट पर ही वन होगा। अब एस को रोकेंगे नीचे एस स्क्वायर का करने जाएंगे तो एस स्क्वायर का क्या आएगा भाई टू एस आ जाएगा। थोड़ा इसको ठीक करके लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको क्या सीखने मिल रही है यहां से कि आपने पहले एफ टी को पहचानना है, उसका एफ एस निकालना है, जब एफ एस मिल जाए फिर उसके बाद टी की पावर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले में फिर आप वापस से एफ एस रख के जितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है उसका डिफरेंशिएशन करके आप लास्ट में आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, इसमें टी की पावर टू आ गया, टू तो टू समझ पा रहे हैं मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है टी की पावर एन इंटू एफ टी वाला, इसके लिए हमें एन को टू रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि यहां एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी की वैल्यू क्या होगी साइन ए टी होगी। अब स्टार टेबल से फिर से एफ टी का जो एफ एस होता है मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी के लिए जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो माइनस वन की पावर कितनी रखी है देखो टू, टू पावर है ना टी की, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू टू है, इसलिए आपने यहां पर माइनस वन की पावर टू लगाया। डी टू अपॉन डी एस टू मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है एफ एस का, ये बात समझ पा रहे हैं। अब एफ एस की वैल्यू रख दीजिए इसमें, एफ एस की वैल्यू रखी माइनस वन का तो होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो चुका है। अब देखो डबल डेरिवेटिव जो है ना हमने इसको ब्रेक करके लिखा, एक डेरिवेटिव बाहर है एक अंदर, मतलब वन बाय वन इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है एफ एस की। जब आप इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो वन बाय टी की तरह हो जाएगा इसका, वन बाय टी का क्या होता है माइनस वन बाय टी स्क्वायर होगा ना, वन बाय टी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था तो उसी की तरह से जब इसका डिफरेंशिएट पहली बार करके लाएंगे तो ये मिलने वाला है आपको। अब ये जो आया है फिर इसका दोबारा से आपने बाहर वाली डिफरेंशिएशन को दोबारा करना है, दोबारा से मतलब क्या है ऊपर भी एस है या नीचे भी एस चल रहा है। अब आप इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर ना एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है उसका भी होल स्क्वायर होगा, तो देखो क्या हो रहा है होल पावर फोर हो गई है। अब क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर को रोका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को रोका, एस का क्या हुआ वन। एक बात का ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस टू ए है ना उसको हमने बाहर ही कर दिया, और दूसरी एक चीज इसमें जरा माइनस छूट गया है ये माइनस आप लगा देंगे। आगे देखो क्वेश्चन रूल का माइनस बीच में आ गया, अब न्यूमरेटर को एस को रोक दिया आपने, उसके बाद डिनोमिनेटर का करेंगे ना तो पहले होल स्क्वायर का होगा, तो देखो टू पहले उसकी एक पावर हो जाएगी कम तो यहां पर एक ही बचेगी। एस स्क्वायर का करेंगे आगे तो देखिए एस स्क्वायर का क्या हुआ टू एस हो गया, बाकी इसको थोड़ा मल्टीप्लाई और ठीक करके लिखेंगे तो ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा इसमें, ये बाकी कुछ इवेल्युएशन का पार्ट है ये आप देख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें भी क्या लिखा है टी स्क्वायर कॉस ए टी, यानी आपको पहले इसमें डिसाइड करना है कि एन की वैल्यू यहां पर टू है, और जब आप डिसाइड कर चुके हैं तो फिर ये टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एफ टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी जब आप टी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बना रहे होंगे तो माइनस वन की पावर टू लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे इस एफ एस का, एफ एस की वैल्यू रखो यहां, तो एफ एस की वैल्यू जब आपने रखी तो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो गया, डी बाई डी एस बाहर से, अब फिर से एक डी बाई डी एस को हमने इंट्रोड्यूस किया अंदर, मतलब क्या कर रहे हैं एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे ना, और एफ एस की वैल्यू ऊपर से हमने रख दी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं पहले हम कोशेंट रूल लगा के लाएंगे, तो कोशेंट रूल लगा करके ये वाला आया, समझ पा रहे हैं,
ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है? जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना शायद, तो उसमें देख लीजिए आप, थर्ड वाले क्वेश्चन में अभी हमने पीछे देखा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 2 लगा के पहली बार डिफरेंशिएशन इसका इतना आता है। दूसरी बारी में जब इसका करेंगे तो फिर से दोबारा क्वेश्चन 2 लगेगा इसमें। देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था ना 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अभी डिनोमिनेटर को रोका, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को रोका, इनटू न्यूमरेटर का करेंगे, ए स्क्वायर का 0 माइनस एस स्क्वायर का, देखो क्या आ रहा है, एस स्क्वायर का आ रहा है 2s। आगे क्वेश्चन रूल का माइनस आया, अब न्यूमरेटर को रोका, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रोका, फिर डिनोमिनेटर का करेंगे, तो देखो इसकी जो होल पावर 2 है ना, पहले वो उसका होगा, पावर पहले पावर से 1 कम करेंगे तो उसकी पावर 1 बचेगा। अब एस स्क्वायर का क्या हुआ, एस स्क्वायर का 2s हो गया। मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको ये फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट करना है टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ए टी को। टी स्क्वायर से हमें पता लगा कि भाई टी की पावर एन वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह फॉर्मूला हमें याद हो चुका है। उसके बाद अब क्या करेंगे, एफ टी का लाप्लास लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए टी का क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए, ए की जगह तो माइनस ए है, इस वजह से देखो क्या हो गया, 1 अपॉन एस प्लस। अब आप इसको टी स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए जरा तैयार करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर 2 डबल डेरिवेटिव हुआ डी टू अपॉन डी एस टू ऑफ एफ एस, एफ एस की वैल्यू वापस ऊपर से रख दो इसको, तो देखो क्या आएगा यहाँ, डी बाय डी एस, एक एक करके हम लेके आ रहे हैं, डी बाय डी एस फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एस प्लस ए को, तो 1 अपॉन टी की तरह हो जाएगा, 1 अपॉन टी का क्या होता है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। और फिर से एक और बार करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2, और माइनस पहले से तो 2 अपॉन एस प्लस ए का होल क्यूब, तो ये इसका आंसर आ गया।